यहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालातों को देखते हुए अब यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर कवायद तेज होने लगी है और इसी के चलते सांसद शंकर लालवानी ने जहां राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की मांग की है, तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बात की है। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। इंदौर के छात्रों को वापस लाने के लिए सांसद शंकर लालवानी ने राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने भी इस विषय को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करने की बात कही। उसमें हम निरंतर संपर्क में है, मैंने सिंधिया जी से भी बात कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री भी इस पर चिंतित है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, उसमें हम निरंतर संपर्क में हैं, मैंने सिंधिया जी से भी बात कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री भी इस पर चिंतित हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि छात्रों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है। यूक्रेन की जो स्थिति परिस्थितियाँ हुई है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक बहुत चिंतित हैं, वो मुझसे मिले भी थे और उनकी चिंता जाहिर है। आज मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की, उनसे जाके मिला था और जो हमारे अभिभावकों की चिंता है यूक्रेन में जो चीज़ें परिस्थितियाँ उसको लेकर उनको अवगत कराया था। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है कल कि अगर आवश्यक नहीं हो तो स्वदेश आएँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। मैंने अभिभावकों की चिंता उससे उनको अवगत कराया और एक और निवेदन उनसे किया है कि चूँकि बहुत सारे लोग छात्र हों बाकी हों भारत आना चाहते हैं तो जो फ्लाइट है उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, और उनका हम इस बारे में ज़रूर एयरलाइंस को और सरकार उसको निर्णय लेगी। और विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी पूरी नज़र है। देखा जाए तो यूक्रेन से वापस भारत आने के लिए फरवरी से पहले कोई टिकट उपलब्ध नहीं है, जहां युद्ध के हालात की खबर के चलते फ्लाइट टिकट की कीमतें बढ़ चुकी है। ट्रैवल एजेंट पैसा कमाने के लिए मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में रह रहे बच्चों के माता पिता अब इंदौर में खासे चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।